हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभी पीडिया प्लेटफॉर्म एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टूडे फॉर ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू जो सी एस सी की तैयारी कर रहे हैं पिछले एक साल से दो साल से तीन साल से चार साल से सो स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और एक बहुत ही दमदार ऑप्शन है दैट इज सी ए पी एफ कमांडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामिनेशन आप में से मेजरली स्टूडेंट्स जानते भी होंगे इस ऑप्शन के बारे में एंड उसमें वो लोग सोच रहे होंगे कि हमने पेपर तो भर दिया है लेकिन आ, कर लेंगे तैयारी क्योंकि सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहा है दैट मीन्स वो इतना सारा होराइजन है उसको कवर कर रहा है और उसी का छोटा सा एक हिस्सा होगा सिविल सी ए पी एफ कमांडेंट लेकिन ये जो स्टूडेंट की मिथ है ये बहुत ही आ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मिथ है और ये मेथ जो है अगर आप ख़त्म करेंगे तब जाके आपका सी ए पी एफ़ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है नहीं तो आप बॉर्डर लाइन केस में रहेंगे आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे मेरिट आउट हो जाएंगे और ये मेजरली सी एस सी स्टूडेंट्स के साथ होता है दे फ़ील ओवर कॉन्फिडेंट दे कि यार आई ए एस की तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल पढ़ रखा है सब कुछ कर रखा है तो ये सी ए पी एफ कौन सा uh, है ना कौन सी बड़ी चीज़ है लेकिन आप देखिए मैं आपको आगे का 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है जो रिसेंट रिज़ल्ट आया है हमारे पास उसका मैं फाइनल रिजल्ट जब आपको दिखाऊंगा यू विल बी शॉक दैट मेजरली स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम अ सी बैकग्राउंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज बट ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम दे जस्ट सेड वन सिंगल लाइन दैट सर हम लोग सबके सब जो थे हम लोग जो है मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पर मैंने सी ए पी एफ को भी बहुत स्पेशलाइज टारगेट कर रखा था सी ए पी एफ के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट uh, लगा रहा था क्योंकि सिविल सर्विसेज और सी ए पी एफ के बीच में येस देर आर डिफरेंसेज देर आर डिफरेंसेज जिस स्टूडेंट ने डिफरेंसेस को टारगेट किया देखा कि क्या डिफरेंस है उसको टारगेट किया वो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में जिसका उसका नाम आता है राइट सो so, हम लोग आज बात करेंगे उसी चीज़ के बारे में आ, कि कैसे आपके जो डिफरेंस है एग्ज़ाम का सिविल सर्विसेज और सी क्या डिफरेंस है और उसके ऊपर हम लोग चलेंगे भी और ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन के बारे में दो चार चीज़ें जो आपको डेफिनेटली फैसिनेट करेगा कि यार ये जॉब भी बहुत अच्छी है और इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ कि कैसे कोई सी ए सी का एस्परेंट था जिसने दो साल मेंस लिखा तीन साल प्रीलिम्स लिखा लेकिन देन दे रियलाइज की नहीं यार ए, एक चीज़ पे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग को अपने को पहले इस चीज़ में भी आ, डालना ज़रूरी है दैट इज़ सी ए पी एफ और फिर उन्होंने सी ए पी एफ की तैयारी की दे आर नाउ द असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड दे आर देयर लाइफ टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज राइट सो देखो अब देखिए एग्जाम डेट की बात करें तो रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन आया और मोटे तौर पे आपके पास तीन महीने अभी भी पड़े हैं राइट right? तो देखिए बीस अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया राइट ट्वेंटी अप्रैल अभी रिसेंटली छ आठ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया इसकी जो लास्ट डेट है वो टेंथ मे दो है तो जितना भी एस्परेंट है प्लीज इस फॉर्म को भर दो भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फॉर्म को भर दो बहुत ही अच्छा फॉर्म है और 250 प्लस वैकेंसीज आई है 250 प्लस वैकेंसीज है कम वैकेंसीज नहीं है इनफैक्ट आप जब रिटर्न दे देते हैं ना उस टाइम पे जब रिटर्न का आपका रिजल्ट आता है उसके बीच बीच में आपको कुछ वैकेंसीज़ का और भी पता चल जाता है कि हाँ दस वैकेंसी ऐड हो रही है बीस हो रही है तीस हो रही है चालीस हो रही है तो ये वैकेंसी जो होती है ये टेंटेटिव वैकेंसी है दैट मीन्स इट इज़ नॉट फिक्स वैकेंसी इसमें और एडिशन होता है वैकेंसीज़ का तो ये एडिशन कितना होगा ये तो अभी हम लोग नहीं चेक कर सकते लेकिन ढाई से प्लस ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी बेस्ट पार्ट क्या है ना सी एस जो होता है वो चाहता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी थोड़ी पावर होनी चाहिए थोड़ा यू uh, नो you know, uh, और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए फैमिली लाइफ भी होनी चाहिए पॉश एरिया में पोस्टिंग होनी चाहिए ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है दो फोर्सेस के अंदर सीएपीएफ की दो फोर्सेस सीएपीएफ में मल्टीपल फोर्सेस आती है उसमें से दो फोर्सेस में तो परफेक्ट आपको फैमिली लाइफ मिलती है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी की बात करें और एस SS, एस की बात करें सो so, इसीलिए बहुत सारे सी एस सी एस्परेंट का बेस्ट जो आ, फोर्स होती है वो सी एस एफ होती है इस बार सी एस एफ में लगभग लगभग मुझे ऑड फिगर याद है मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है इस बार 60 प्लस वैकेंसी सी एस एफ में आ रखी है और एस एस बी में भी अच्छी वैकेंसीज हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग फैक्टर हो सकता है जिन बच्चों ने बहुत दम लगा के सिविल सर्विसेज की तैयारी की उनके लिए अब ये रे ऑफ होप है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए जा सकता हूँ राइट क्योंकि यहाँ पर अच्छा है 60 प्लस वैकेंसीज है मेरे को अगर मान लीजिए आपको नहीं करना सी आर पी एफ में सब बी एस एफ में सब कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है राइट तो सी एस एफ जो है वो सिक्सटी प्लस वैकेंसीज है बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है ठीक है सात अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है सेवेंथ अगस्त को अभी भी तीन महीने से ज्यादा आपके पास टाइम है अच्छा खासा राइट बट एक चीज एक शर्त पे आपको ये एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे से कह रहा हूं मतलब आप कट ऑफ से 20 25 नंबर सरप्लस लाओगे तब जाके आपका सिलेक्शन फिक्स होगा राइट right? तो so, ये वाला जो सिलेक्शन uh, वाला फिक्स करने वाला जो uh, तरीका है वो अपनाने की कोशिश कीजिए यू हैव टू वर्क ऑन योर एजेस राइट सो सात अगस्त को आपका एग्जाम है राइट right? चलो अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो दो uh, हज़ार के फाइनल रिजल्ट जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसी का मैं आपको ये आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखिए जितने भी स्टूडेंट्स थे इसमें से एक आधा दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली सी या सी की तैयारी की थी रेस्ट यू विल फाइंड ऑल स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड राइट जैसे सी ए की किसने तैयारी की थी उनके मैं दो तीन नाम बता देता हूँ बाकी आप खुद समझ जाएंगे बाकी सब के सब सी वाले थे जैसे शुभम हो गया शुभम जो है ओम प्रकाश ओम प्रकाश का भी इसी तरीके से था ही वॉज़ अ कम्प्लीट डिफेंस एस्परेंट ठीक है सो डिफेंस एस्परेंट रहे हैं ये और इन्होंने सी डी एस सी ए पी एफ दोनों दिया एस एस बी दिया इस तरीके से राइट right? उसके बाद अगर बात करें तो आ, हनीफ हनीफ का भी ऐसे ही था हनीफ इज़ वेरी यंग पर्सन बाईस साल के हैं और इनका भी सी डी एस सी ए पी एफ वाला ही था उसके बाद अगर हम बात करें तो आकाश ढाकरे आकाश ढाकरे में ऐसा तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कि ही वॉज़ कम्प्लीटली सी डी एस या सी ए पी एफ हाँ इन्होंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन्स वग़ैरह दिया था तो थोड़ा सा मतलब बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग मतलब 21 साल के ही हैं और पॉसिबली ये यंगेस्ट असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं अभी तक के हमने इनका एक सेशन भी लिया था तो आप उसको भी देखिएगा बाकी आ, रेस्ट जो है रेस्ट आप देखोगे सब के सब सब के सब आप देखोगे एवरी वन दे आर फ्रॉम द सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड ठीक है सो so, और रिसेंटली uh, क्या हुआ इन स्टूडेंट्स uh, को सर्विस एलोकेशन हुआ मतलब स्टूडेंट्स के रैंक के हिसाब से उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सी एस एफ मिला सी आर पी एफ मिला बी एस एफ मिला आई टी बी पी मिला राइट right. तो इन्हीं बच्चों में ऑलमोस्ट uh, सभी को ही मिल गया है तो जैसे लीला कुमारी हैं इनका मेरे को मैसेज आया आई शो यू द मैसेज ऑल्सो व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर बिकॉज शी गॉट ट्वेंटी फोर्थ रैंक तो इनको कहाँ मिला है क्या मिला है इनको सी मिला है बेस्ट पार्ट गर्ल्स के लिए सी एस एफ इज़ बेस्ट फोर्स है ना इट इज़ जस्ट एज इक्वलेंट टू स्टेट पुलिस डी एस पी या इट इज़ एज इक्वल टू यू पी एस सी का आप uh, जो लोअर रैंक्स होते हैं नीचे वाले पाँच सौ uh, के आगे वाले रैंक्स होते हैं वो उसमें भी कोई ऐसा बहुत बड़ा अच्छा नहीं होता ये सी एस एफ ए सी बनना इट्स वेरी वेरी गुड तो शी मैसेज मी बिकॉज शी गॉट हंड्रेड एंड टेन मार्क्स एक सौ दस मार्क्स इनको मिले हैं इंटरव्यू में तो इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया अभी पीडिया को अप्रिशिएट किया बिकॉज ऑफ दिस बी नो दैट ये हमारा कुछ इतना एफर्ट हमने नहीं लगाया इट इज़ ऑल हर एफर्ट एंड हर लक एंड हर पेरेंटल ब्लेसिंग्स एंड फैमिली ब्लेसिंग्स जो इन्होंने इतना रैंक हासिल किया और इनको अल्टीमेटली सी एस एफ मिली है राइट right? तो इनका भी बैकग्राउंड वही था सी एस सी का था तीन चार साल इन्होंने लगा चुके थे ठीक है आदित्य का बैकग्राउंड अंजू का बैकग्राउंड सबका बैकग्राउंड ये इसी तरीके का रहा है राइट right? अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज भी किया कि देखिए जो सिविल सर्विसेज़ वाले एस्परेंट्स होते हैं उनको पेपर वन के अंदर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि दैट इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप राइट ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और उसमें दे स्कोर जर्ली वन प्लस मार्क्स वन प्लस मार्क्स और यहाँ पर भी आप देखेंगे ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स ने वन प्लस मार्क्स ही स्कोर uh, किया था लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है जो एज क्रिएट करता है दैट एज इज़ सी ए पी एफ ए सी पेपर टू सी ए पी एफ ए सी पेपर टू जो है दैट क्रिएट्स द एज यहाँ पे आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम लोग ने तो मेंस आंसर राइटिंग की है हम लोग ने तो मेंस में बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखे हैं हमारे पास नॉलेज है हमने मैगजीन्स पढ़ी है कुरुक्षेत्रा पढ़ी है योजना पढ़ी है न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं तो दिस इज़ अ मिथ रीज़न बीइंग क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है बहुत ही स्पेसिफिक आपके पास कंटेंट हो और उस कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करके उसी कंटेंट को आप अप्लाई कर रहे हो अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू राइट तो हमने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रखा है पहले स्टूडेंट्स का कंटेंट बनाना है उसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू बार बार आपको प्रैक्टिस करवानी है ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ हर फैकल्टी uh, जो है कमिंग फ्रॉम द यू बैकग्राउंड ऑल्सो दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ ईयर्स राइट right? एंड इसको पूरा का पूरा मेंटोर कर रहे हैं हमारे बंसल सर जो पूरे के पूरे यू you नो know, एक इन्होंने एन नंबर ऑफ सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रियल सिविल सर्वेंट बनाया है आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सब कैटेगरी के इनके स्टूडेंट्स आज इंडिया में सर्व कर रहे हैं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग तो इन्हीं की मेंटोरशिप से ये पूरा कोर्स चल रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है वॉट यूल गेटिंग इन दिस कोर्स आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं मल्टीपल फैकल्टीज़ आर टीचिंग इन दीज लाइव क्लासेस नंबर वन उन्हीं लाइव क्लासेस का आपको फटाफट पीडीएफ मिल जाता है उसी क्लास के नीचे फिर इसके अलावा आपको मिल जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चनस मिल गया उसके बाद आपको मिलेगा एक्स्ट्रा इशू एनालिसिस एक्स्ट्रा इशू एनालिसिस जो है आपको मिल जाते हैं इसी कोर्स के अंदर ठीक है और साथ ही साथ आपको अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज भी मिलती है ठीक है सो so आपने अगर जिसने भी कोर्स लेना है दे वॉन्ट टू इंक्वायर इन टू दिस कोर्स सो डायरेक्टली कॉल कर दीजिए वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज एंड वुड विल मेक श्योर कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेंदन करें ठीक है ओके नाओ देखिए ये जो सी ए पी की प्रोसेस है इस सी ए की प्रोसेस में सबसे पहले आता है रिटर्न उसके बाद आता है फिजिकल मेडिकल उसके बाद आता है अल्टीमेट स्टेज दैट वी कॉल इट एज इंटरव्यू राइट अब ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन है आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी द मोस्ट मोस्ट प्रिडिक्टेबल थिंग द मोस्ट प्रिडिक्टेबल थिंग इन द एंटायर सी प्रोसेस इज रिटर्न एग्जाम और जो आपके हाथ में है ठीक है देखो मेडिकल के अंदर पता नहीं क्या हो सकता है आपका कुछ मेडिकल इशू निकल सकता है और आप बाहर हो सकते हो वैसे एक चीज़ बताऊं तो ये फिजिकल मेडिकल इट्स नॉट एज इक्वल एन टू आर्मी मेडिकल एयरफोर्स नेवी मेडिकल वहां पे ऐसा नहीं होता यहाँ पे फिजिकल मेडिकल सिर्फ और सिर्फ दो दिन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा टू डेज का मेडिकल फिजिकल होता है इससे ज़्यादा नहीं और जो टास्क होते हैं वो भी बड़े बेसिक से होते हैं जो रिटर्न एग्जाम है यहां पे जिस बच्चे ने स्कोर कर लिया मैक्सिमम ठीक है वो बच्चे का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता उसको मैं भी इंश्योर करता हूं कि आप हमारे साथ कांटेक्ट में आइएगा आई विल मेक श्योर अबाउट इट कि आपने रिटर्न में अगर फोड़ा होगा तो फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू में हम फोड़ने की गारंटी लेते हैं समझ आ गया और इसी तरीके से मेरे मेरे साथ में कनेक्टेड अभी जो दो हज़ार इक्कीस के स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड विद मी और आई एम मेंटरिंग देम कि ठीक है आपने अच्छा रिटर्न में किया है अब टेंशन फ्री हो जाओ लीव द रेस्ट प्रोसेस और इसके अंदर हम लोग अच्छे से करेंगे ठीक है अब देखिए रिटर्न एग्जाम में अपने पास क्या आता है रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास पेपर वन है और पेपर टू है पेपर वन में मुझे पता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपने इतने मॉक टेस्ट लगाए होंगे प्रिलम्स लिखने वाले होंगे पेपर वन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी 125 क्वेश्चंस हैं 250 मार्क्स का पेपर है मैं बता रहा हूं जितने भी सी एस सी एस्परेंट्स हैं टारगेट एटलीस्ट वन प्लस मार्क्स वन प्लस मार्क्स इवन दो वैकेंसीज आर गुड इनफ है ना और, और एक कट ऑफ जाएगी ज्यादा से ज्यादा 120, 22, 25 के अंदर अंदर तो 120, 22, 25 के अंदर 120 से 25 कट ऑफ जाएगी लेकिन मैं 25 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको बोलने की बोल, बोल रहा हूँ एम्फोसाइज कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये गेम चेंजर होगा राइट ठीक है सो 150 मार्क्स आप लेने की कोशिश कीजिए और ये आप ले भी लेंगे कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आपको वो चीज मैं बता दूंगा कि कौन कौन चीजों पे आपने एफर्ट लगाना है अब दिस इज समथिंग दैट सी जो यूपीएससी सीएससी एस सी एस्परेंट होता है वो इसको जो है वो ले लेता है टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार ये जो पेपर टू है ये पेपर टू तो मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं आई कैन राइट इट डाउन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे सी एस सी एस्पेरेंट्स को देखा है अगर ये सी एस सी एस्परेंट्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं राइट दे हैव कम एंड दे हैव दी एस सी एसपेरेंट बैकग्राउंड तो आप देखिए कितने ऐसे एस्परेंट्स होंगे जिन्होंने अपियर किया होगा इस एग्ज़ाम के अंदर ठीक है और कितने सिलेक्ट हुए हैं तो आप समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सीएससी का बैकग्राउंड है तो आप स्कोर कर सकते हैं यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट जो है दैट इज द नीड ऑफ एन स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए आपके पास प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए तब जाके बात आपकी बनेगी पेपर टू के लिए राइट सो दो सो मार्क्स का पेपर है जो स्टूडेंट अगर 200 में से 100 प्लस स्कोर कर रहा है उसका मान के चलिए इट इज गुड इनफ राइट इट इज गुड इनफ हंड्रेड से कम कर रहे तो मुश्किल आ जाएगी राइट right? चलिए ये चीजें हैं सो आंसर राइटिंग आपको करनी है आंसर राइटिंग हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कैसे कराते हैं फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी आपको पढ़ा रही है टॉपिक तो टॉपिक से ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है उसी टाइम में फिर दूसरा काम क्या किया जाता है उस वीडियो के साइड में इस तरफ जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद तीसरा जो है दैट इज़ टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आप अपना जो है बहुत आसानी से चीज़ें कर सकते हो ठीक है और ग्रेम गेम चेंजर जो होता है पेपर टू के अंदर जो सी एस सी एसपरेंट जर्नली अवॉइड कर देते हैं दे थिंक की रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट एंड ऐसे मैं कर दूंगा बहुत अच्छे से राइट बट बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां से भी मार्क्स ला सकते हैं जैसे कि ग्रामर पार्ट हो गई 25 मार्क्स की ग्रामर आती है 25 मार्क्स की ग्रामर आती है अब ये जो 25 मार्क्स की ग्रामर है इस ग्रामर को हमारे जो कोर्स के अंदर लाइव कराया जा रहा है बाय द निहारिका मैम एंड जतिन सर तो ये दो चीज़ें दो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं स्पेसिफिक टू सी ए कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेज़ हो रही हैं और प्रेसर राइटिंग की क्लासेज हो रही हैं समझ आ गया तो इस तरीके से इन तीनों कंपोनेंट पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो यू डेफिनेटली गोइंग टू फेच गुड मार्क्स राइट चलो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं कि ये जो असिस्टेंट कमांडेंट है बहुत स्टूडेंट जो है ना वो स्टार्टिंग में बहुत उसको लाइटली ले, ले लेते हैं कि यार एसी है कहाँ भागते रहेगा वर्दी वर्दी पहनता रहेगा है ना कहाँ फालतू में जंगलों में भेज दिया जाता है बॉर्डर्स में भेज दिया जाता है बड़ी लाइफ मुश्किल हो जाती है लेकिन ट्रस्ट मी आज के टाइम पे आपको अगर असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है तो गलत है असिस्टेंट कमांडेंट पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर जॉब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ऑफिसर की जो पे स्केल स्टार्ट होती है वो लेवल टेन की होती है जहाँ पे ग्रेड पे ही फिफ्टी फोर हंड्रेड होता है राइट right? तो आपको जो है सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है इनफैक्ट मैं बताऊँ जो स्टेट जो स्टेट डी होते हैं स्टेट पुलिस के जो डी होते हैं नो डाउट उनके पास पावर होती है देखिए पावर तो ना एक क्लर्क के पास भी होती है अपने एरिया के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर तो पावर के पीछे मत सोचिए कि पावर तो एक क्लर्क के पास भी है पावर तो एक पीएन के पास भी है पावर तो आपके पीए uh, के पास भी होगा जो सीधा चीफ uh, मिनिस्टर का पीए है उसके पास भी पावर है तो पावर तो बहुत ही सब्जेक्टिव है आप किस चीज़ किसको पावर मानते हो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं सी के अंदर सी के अंदर दे अ नॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द पावर एक सौ डेढ़ सौ बंदा जो है कॉम्बैट सोल्जर जिसने खूब सारा ट्रेनिंग लिया है वो आपको सल्यूट करता है वो आपकी बात मानता है वो आपकी बात मानेगा तो उसको डिसोबे नहीं कर सकता स्टेट पुलिस में तो ऐसे ही चलता है कि चलो भैया सल्यूट मारना है तो मार देते हैं नहीं तो नहीं और स्टेट पुलिस के जो डी होते हैं दे गेट पॉसिबली फिफ्टी फिफ्टी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा है ना क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है इतना इतना उनको सैलरी मिलता है उससे ज़्यादा नहीं मिलता और कई तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो अपने डी को और एस को बेसिक सैलरी देती है सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स आप जानते होंगे अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं पंजाब में ऐसे ही चलता है है कि नहीं चलो तो यहाँ पे आपको फुल सैलरी मिलती है सर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलेगी बेसिक जो पचपन पचपन साठ हज़ार है आपकी तो मिलेगी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई यू विल गेट द सैलरी ऑफ एटी एटी फाइव थाउजेंड अस्सी से पिचासी हज़ार आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे डेप्यूटेशन के बहुत तगड़े चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा पैसा कमाना है ज़्यादा एक्सपीरियंस कमाना है एडवेंचर करना है सीधा डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं आप मल्टीपल एन में जा सकते हैं यू कैन गो फॉर यू नो इंटेलिजेंस एजेंसीज में जा सकते हैं स्टेट पुलिस में भी डेप्यूटेशन होता है बट वो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है राइट तो वहाँ पर भी फिर आप स्पेशल जो इनकी फोर्सेज होती है कमांडो फोर्सेज होती है वहाँ पर जा सकते हैं एंड पॉसिबली आपको एक लाख तक का पैसा एक लाख रुपये तक आपको सैलरी मिलती है राइट तो पैसे की तो कभी कमी है ही नहीं दूसरी बात आपको क्या है ये जॉब एक ऐसी जॉब है ट्रस्ट में ये जॉब एक ऐसी जॉब है आप आर्मी में लेफ्टिनेंट भी बन जाते हैं कैप्टन मेजर भी बन जाते हैं वहाँ पर दे गेट वेरी गुड रिकोगनाइजेशन बट वो दायरा जो उनका होता है वो उतना ही मिलिट्री कंटोनमेंट वाला होता है राइट स्टेट पुलिस वाला क्या है स्टेट पुलिस का जो डीएसपी है उसका दायरा स्टेट पुलिस में होगा है ना अब ये जो असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं ये कमांडेंट्स जो होते हैं दे हैव दोनों के साथ इनका सेटिंग बहुत तगड़ा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक असिस्टेंट कमांडेंट है देखिए एक ए है वो कोऑर्डिनेट करता है एक एसी है वो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ठीक है यहाँ पे डीएसपी एसडीएम और डिप्टी जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा और साथ ही साथ मिलिट्री के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है तो कोऑर्डिनेशन इसका ही इज अ सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है मिलिट्री वाला ऑफिसर मिलिट्री में ही रह जाएगा उसका कोई कॉन्टेक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जो है वो मिलिट्री के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखते बट ए जो है वो ए बंदा जो है वो दोनों के तरफ उसके बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स बन जाते हैं तो जब रिटायरमेंट होती है या रिटायरमेंट से पहले आपको कभी जाना नहीं पड़ता ऑफिसज़ में कि सर मेरा ये काम करा दो वो काम करा दो आपके बहुत अच्छे लिंक्स बन जाते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है आपके पास बंगलो होता है आपके पास आ, आ, स्टार्टिंग में थ्री बी के अपार्टमेंट होगा टाइप फोर तो फिर जैसे जैसे आप कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट रैंक में पहुंचेंगे, तो विल गेट प्रॉपर बंगलो आल्सो, ऑल्सो यूल गेट द गवर्नमेंट व्हीकल ऑल्सो है ना तो ये सारी चीज़ें जो बेनिफिशियल आपके लिए होती हैं इस तरीके का आपका रूम होता है मतलब एकदम फर्निश्ड वेल फर्निश्ड आपका जहाँ पर भी आप जाएंगे इस तरीके का आपका स्टे होगा ना लेट्स टॉक अबाउट एजस मैंने आपको बता दिया कि ये कितनी अच्छी चीज़ है जो आप प्रिफर कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं एजिस की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द एज एजिस में अगर हम बात करें तो पेपर टू में तो मैंने आपको बता दिया कि वॉट इज एज पेपर टू के अंदर आपको कंटेंट बनाना है प्रैक्टिस करनी है ये दोनों चीज़ें हमारे पेपर टू के लाइव कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी ठीक है कोई भी डाउट दिक्कत होगा डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं राइट बट पेपर वन की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर वन में जैसे प्रिलम्प्स में साइंस एंड टेक आता है वैसे पेपर वन सी के अंदर साइंस एंड टेक नहीं आता है इट कम्स जनरल साइंस क्या आती है जनरल साइंस आती है और ये जो जनरल साइंस है आप कहाँ से कवर कर सकते हैं आप कवर कर सकते हैं सिक्स टू टेंथ क्लास की एन से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइन्थ और टेंथ की एन सी आर टी नाइन्थ और टेंथ की एन सी आर टी से नाइन्थ एंड टेंथ की एन सी आर टी से आप कवर कर सकते हैं राइट right. तो नाइन्थ टेंथ तो पूरा प्रॉपर आपने टॉपिक्स पढ़ ही लेने हैं सब बहुत अच्छे से कवर कर लेना है और जो बच्चा बैकग्राउंड जिसका है साइंस का बैकग्राउंड रहा है साइंस मेडिकल उसने लिया नॉन मेडिकल लिया है तो वो क्या कर सकता है एज और अच्छा अपना पकड़ ग्रिप करने के लिए इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर कर सकता है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के समझ आ गया सो इलेवेंथ ट्वेल्थ के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है यू कैन कवर इट डोंट इट इफ यू आर अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे आपको तीस सवाल पूछे जाते हैं थर्टी क्वेश्चन और थर्टी क्वेश्चन जो हैं वो <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है तीस क्वेश्चन तो तीस क्वेश्चन में से आप देखिए नाइन टेंथ के एनसीईआरटी से आप कवर करते हैं तो यू विल फाइंड कि अट्ठारह क्वेश्चन आपको नाइन टेंथ के एनसीईआरटी से हो जाते हैं बाकी रहते हैं बाकी यू कैन गो अड विद क्वेश्चन फाइव टू नाइन क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम 11 ट्वेल्थ एनसीईआरटी। आप बोलेंगे बाकी क्वेश्चन का क्या देखिए ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो नॉन डूएबल होते हैं वो आपने छोड़ के ही आने होते हैं तो यहाँ पर भी आपने सोचना है कि मेरे को सारे तीस क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है नहीं तो यू का स्टैंडर्ड ही नहीं होगा फिर वो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखती है तो कुछ दो चार सवाल जो होते हैं वो नॉन डुएबल कैटेगरी के होते हैं रेस्ट सवाल जो है आप 18 प्लस सवाल नाइन टेंथ से कर सकते हैं और अगर एज लेना है तो पाँच नौ सवाल जो है 11 ट्वेल्थ के एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं राइट right, चलो नेक्स्ट इसमें है इकोनॉमिक्स की बात इकोनॉमिक्स में आपको यू आर नॉट सपोज टू रीड एनी रमेश सिंह की बुक या इकोनॉमिक्स की कोई और इंस्टीट्यूट्स की बुक है आपको सिंपल पढ़ना है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो कि एनसीआर है एनसीआरटी है क्लास ट्वेल्थ की एन आपको दिख जाएगी दैट एन इज माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट क्लास इज माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट तो यहाँ पे आप ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी को स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो अगर मान लीजिए मुझे पता है कि स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम रहती है एनसीईआरटी पढ़ने में क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत एक लाइन में लिख दिया जाता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता तो आप क्या कर सकते हैं द बेस्ट पार्ट यू कैन डू इज बिकॉज फिर क्या होगा ना कि आप जब एनसीआरटी पढ़ोगे ना मुझे पता है कि एनसीआरटी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसकी वजह से आप कहीं और किताबों में घूम जाओगे राइट आपने पकड़नी एनसीआरटी है उसके रिलेटेड करना ये है कि जैसे कोई भी एन का चैप्टर है राइट जैसे गवर्नमेंट इकोनमी गवर्नमेंट बजट हो गया वो वाला चैप्टर हो गया या फिर इनकम डिटामिनेंट्स वाला चैप्टर हो गया तो ये इनकम डिटामिनेंट वाला चैप्टर बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको है ना तो आपने क्या करना है यूट्यूब पे जाना है इनकम डिटॉमिनेंट एन क्लास ट्वेल्थ ठीक है उसको बस लिख दीजिए और आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज आ जाएंगे वही यूट्यूब वीडियो देख लो जो आपको समझ आती है जो स, आप समझ पा रहे हो उन चीज़ों को तो आप उस बेसिस पे जो है बहुत आसानी से अपनी एन को कवर अप कर सकते हैं रादर देन गोइंग हेयर इन देयर ठीक है तो इतना आप ध्यान रखिए और पिछले तीन सालों के जो है क्वेश्चन जो हैं एन से आए हुए हैं तो हमें वो करने की बहुत ज़रूरत है मैथ्स रीजनिंग मैं आपको बता रहा हूँ अगर जिस बच्चे ने सी सेट किया है सी सेट में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो मैथ्स रीजनिंग आपके लिए केक वॉक होगा लेकिन जिस बच्चे के लिए सी सेट थोड़ी मुश्किल हो जाती है और उसको मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो वो क्या कर सकता है वो लास्ट पाँच सालों के क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पेपर जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आया हुआ है एग्जाम uh, के अंदर जो सी ए पी एफ पेपर वन है तो वो पाँच साल के क्वेश्चन देख ले आराम से वो देखे सॉल्व करे कमी लग रही है तो वो टॉपिक्स को देख ले कि ये ये टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है ब्रशअप करने की जरूरत है और उसको जो है वो पढ़ना शुरू कर सकता है राइट सो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप लास्ट पाँच साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए और आराम से वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कहीं लग रहा है तो टॉपिक्स को नया रिवाइज कर लीजिए ओके नाउ दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टूडेंट क्या कर रहा है कोई बड़ी बड़ी मैगजींस पढ़ रहा है है ना कोई कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा है लेकिन पेपर वन के लिए ना आपको न्यूज़पेपर काम में आएगा करंट अफेयर के लिए ना आपको मैगजीन काम में आएगी आपको काम में आएगा इस तरीके का न्यूज इस तरीके का करंट अफेयर जो वन लाइनर और फैक्चुअल होगा राइट तो आपने क्या करना है आपका सात अगस्त को एग्जाम है आपने जनवरी से शुरू कर देना है करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़ना और जून तक आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर की मैगजीन को जनवरी से जून ठीक है या फिर मिड ऑफ जुलाई टिल मिड जुलाई और ये जो मिड जुलाई है वो फिफ्टींथ मिड जुलाई कर सकते हैं आप समझ आ गया तो इतना आप करंट अफेयर का कंटेंट जो है अपने पास रख सकते हैं ड्यूरेशन रख सकते हैं रीड एटलीस्ट सिक्स मंथ्स की करंट अफेयर मैगजीन मैगजीन कौन सी वो जो बहुत ही स्पेसिफिक हो क्रिस्प हो आप देखिए कोई भी मैगजीन उठा लीजिए ऑनलाइन में जी के टूडे एक है बट वहाँ से भी आप देखिए उसमें भी पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको सिर्फ स्टार्टिंग की वन लाइनर पढ़ना है सिर्फ स्टार्टिंग का वन लाइनर दैट्स इट उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछा जाता डिटेल में राइट तो ये चीज़ है जैसे अवार्ड मेडल ऑनर्स प्राइज ये सारी चीज़ रिपोर्ट इंडेक्स सर्वे स्टडी गवर्नमेंट स्कीम्स पोर्टल एप्लीकेशन इनिशि इकोनमी हो गया पर्सन इन न्यूज़ प्लेस इन न्यूज सबमिट इंपॉर्टेंट डेट्स फेस्टिवल एंड बुक्स तो ये इस तरीके से जो है ये ये कॉम्पोनेंट जो है आपकी करंट अफेयर से आता है दादा साहेब फाल अवार्ड किसको मिला नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ठीक है फिर आ, आ, फिर दिलीप ट्रॉफी जो है इस साल किसने जीती इस तरीके के सवाल जो है आपको पेपर टू के लिए पेपर वन के करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं राइट right? सो so, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऑप्शन जो है वो सी का रख सकते हो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है कोई भी डाउट रहेगा हमसे कांटेक्ट कीजिए एंड वी वुड लव टू हेल्प यू आउट हमारा डेली क्लास चलता है लाइव क्लास चलता है गेट योर सेवन डेज फ्री ट्रायल आल्सो जहाँ पे आप सात दिन का ट्रायल लेके देख सकते हैं और फिर एनरोल कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड